हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी विद्यार्थी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा लिटरेचर की। तो आज हम सभी इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस को कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ पर आप सभी को इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, राइटर्स से रिलेटेड, पोएट्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तथा फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन दोस्तों मैं लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है उन प्रश्नों के माध्यम से यदि आपको टॉपिक तैयार है तो आप रिवाइज करने का प्रयास करें कि कितना आप सभी को तैयार है, और यदि कोई टॉपिक नहीं तैयार है तो क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने का प्रयास करें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेड स्टेटमेंट ऑन पोएट्री बाय जॉन कीट्स इज प्रोड्यूस्ड विथ ब्लैंक्स विलो, कंप्लीट द स्टेटमेंट विथ करेक्ट वर्ड्स। आप देख पा रहे हैं ये एक सेंटेंस दिया है जो कि स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट आई होप आप जान पा रहे होंगे ये किसके द्वारा दिया गया है। यस, यू आर राइट, जॉन कीट्स के द्वारा दिया गया है, और जॉन कीट्स ने इसको पोएट्री से संबंधित परिभाषा जो दी है वो इन्होंने कहा है कि इफ़ पोएट्री, अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में और हूबहू मैंने आपके लिए कलेक्ट कर लिया है ताकि आपको रिवीजन करने का अच्छा मौका मिले और जो भी फैक्ट आपको फंस रहा है उससे आप कुछ नया जानने का प्रयास करें। इफ़ पोएट्री, अब अगर देखते हैं पहले वाले ब्लैंक में कहते हैं डज नॉट कम एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम। अब आप देख पा रहे होंगे कि डज नॉट कम हैड बेटर नॉट कम इस ये कंप्लीट कर रहा है, या सेकंड ऑप्शन की बात करें कम नॉट हैड बेटर नॉट कम ये कंप्लीट कर रहा है, या थर्ड ऑप्शन कम नॉट हैड बेटर नॉट कम ये है, या लास्ट है कम नॉट और डिड नॉट कम, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, यू ऑल आर राइट, यहाँ पर कम नॉट सही होगा। इस तरीके से जॉन कीट्स ने कहा है कि यदि पोएट्री फिर है कम नॉट, यदि पोएट्री इस तरह से नहीं आती है नेचुरली जैसे पेड़ से पत्ते आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आने का, यानी ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इफ़ पोएट्री नॉट कम, इफ़ पोएट्री कम नॉट हैड बेटर नॉट कम सही होगा। इट मीन्स करेक्ट इसका डिफिनेशन हो जाएगा इफ़ पोएट्री कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, तो क्या है इट हैड बेटर नॉट कम, ये करेक्ट सही होगा परिभाषा। तो आई होप को क्वेश्चन नंबर वन अच्छे से समझ में आया होगा। जॉन कीट्स जो कि रोमांटिक एज के अच्छे पोएट माने जाते हैं और ये हेलेनिस्टिक आर्ट के वजह से, सेंसेशनल स्टाइल की वजह से, और आप देख पाते हैं ओड टू नाइटिंगल, ओड ऑन ग्रेसियन, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, है ना, ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट इनके ओड हैं, और इनका इनकम्प्लीट इपिक जो है हाइपेरियन है, ब्राइट स्टार भी इन्हीं की पोएम है। ओड टू मेलांकली इनका एक जो है ओड था, ये क्वेश्चन आया हुआ है ओड टू मेलांकली, तो उसका जो है इन्होंने फर्स्ट स्टैंजा ड्रॉप कर दिया था। ये सारे कुछ फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, और कीट्स को हेलेनिस्टिक आर्ट की वजह से जाना जाता है और इनको जो है शैले ने कहा है, ठीक है, पी बी शैले ने कहा है कीट्स वाज अ ग्रीक। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी देख पाते हैं ग्री ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में किस तरह से इन्होंने यूनानी सभ्यता के द्वारा की गई कुछ जो है कलश पर जो डिज़ाइन बने हुए हैं उसको कितने अच्छे से ये बयां करते हैं, इसलिए इनको शैली ने कहा है कीट्स वाज अ ग्रीक। तो आई होप आपको ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स समझ में आए होंगे।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें फ्रेंड्स, द ओड टू द वेस्ट विंड हैज़, बताएं किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले ये फैक्ट बताएं, ओड टू द वेस्ट विंड, यस यू आर राइट, ओड टू द वेस्ट विंड लिखा गया था पर्सी बायसी शैली के द्वारा, ठीक है, पी बी शैली के द्वारा लिखा गया था। डेट की बात करें तो 1819 में लिखा गया था, और कहाँ लिखा गया था तो इसको ध्यान रखें, नियर फ्लोरेंस, इटली का है ना शहर, नियर फ्लोरेंस में लिखा गया था, इटली में, ठीक है। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं इटली में, और इटली में पीसा में ये कुछ ज़्यादा समय तक रहे थे। इट इज़ एन ओड, तो कैसा है ये ओड है और किस में लिखा है, तो सभी लोग जानते हैं ये टेरेजा रीमा में लिखा है, ठीक है, टेरेजा रीमा। टेरेजा रीमा क्या होता है फ्रेंड्स, तो टेरेजा रीमा जो होता है वो हम लोगों का तीन तीन लाइन के स्टेंजाज होते हैं जो एक दूसरे से बंधे होते हैं। मीन्स राइमिंग स्कीम ए बी ए, इसके बाद बी सी बी, फिर हो जाएगा सी डी सी, फिर डी सी डी सी, इसके बाद हो जाएगा डी सी डी, इसके बाद हो जाएगा डी ई डी, ऐसे करके ये जो बन रहा है ये आपसे आपका इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें स्टेंजा पूछा है, तो तीन तीन लाइन के स्टेंजाज यानी टेरेजा रीमा में स्टेंजा को बांधा गया है, और एक जो है पोयम में पांच स्टेंजा है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, फाइव स्टेंजाज टोटल हैं, और इन जो है फाइव स्टेंजाज को टेरेजा रीमा यानी कि तीन तीन लाइनों में उन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी फैक्ट, तो नोट कर लें, ये आपका फाइव स्टेंजा टोटल है और टेरेजा रीमा स्टाइल में लिखा गया है, मींस तीन तीन लाइन के स्टेंजाज बने हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री में आप देख पा रहे हैं, रग्बी चैपल इज अ पोयम बाई मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज, फटाफट बताएं, रग्बी चैपल जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था किसकी मृत्यु पर, मदर के मृत्यु पर नहीं, ब्रदर के मृत्यु पर नहीं, सिस्टर के मृत्यु पर नहीं, फादर की मृत्यु पर, इस इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, इन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर लिखा था रग्बी चैपल। वॉट वॉज हिज फादर्स नेम, थॉमस अर्नोल्ड, ठीक है, इसको नोट करें, थॉमस अर्नोल्ड इनके पिता का नाम था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, तो थॉमस अर्नोल्ड इनके पिता का नाम था, और मैथ्यू अर्नोल्ड के लाइफ स्पैन की बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड 1822, ठीक है, से लेके 1880 तक इनका पूरा जीवन काल है, 1822 से लेकर के 1888 तक, इसको आप ध्यान रखें। ये कौन थे, तो ये ब्रिटिश पोएट थे, ठीक है, ब्रिटिश पोएट थे और विक्टोरियन एज के पोएट थे। कौन थे, क्रिटिक भी थे, ब्रिटिश पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक भी थे ड्यूरिंग विक्टोरियन एरा, इसको भी आप ध्यान रखें, वी कैन से ये विक्टोरियन एज के अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। और इनका डोबर विच वगैरह में हम सभी देखते हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड किस प्रकार से रिलीजियस फेथ के जाने पर बहुत परेशान हैं, और फिर भौतिकतावादी के दृष्टिकोण को लेकर के बहुत समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग साइंटिफिक हो रहे हैं और धर्म से विश्वास ख़त्म हो रहा है, तो पूरी तरह से ना साइंटिफिक हो पा रहे हैं ना ही धार्मिक रह जा रहे हैं, ठीक ना। और फैक्ट देखें तो अर्नोल्ड ने इसको जब अर्नोल्ड की स्टडी स्टार्ट हुई थी तो रग्बी चैपल जो था, इसको भी सब ध्यान से सुने सभी लोग, रग्बी चैपल जो था यहाँ पर इनके पिता हेडमास्टर थे, ठीक है,
हेड मास्टर थे इनके पिता रग्बी चैपल में, और स्टार्टिंग स्टडी भी मैथ्यू अर्नोल्ड की रग्बी चैपल में हुई थी। इस वजह से आप देख पाते हैं रग्बी चैपल से भी इनकी यादें जुड़ी थी, तथा इनके पिताजी भी रग्बी चैपल के हेड मास्टर थे। और पिताजी की मृत्यु पर तो इन्होंने क्या लिखा है, रग्बी चैपल। फादर का नाम अगर पूछे, एग्जाम में आया हुआ है फादर का नाम, आप इसको नोट करें, तो थॉमस अर्नोल्ड इनके पिता का नाम था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स मैथ्यू अर्नोल्ड से संबंधित थे जो इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। वेसेक्स, फ्रेंड्स वेसेक्स का ध्यान, आपने वेसेक्स का नाम सुनते ही थॉमस हार्डी याद आए होंगे। थॉमस हार्डी का वेसेक्स एक फिक्शनल टाउन है। क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि वेसेक्स एक फिक्शनल टाउन किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो T.S. एलियट के द्वारा नहीं, थॉमस हार्डी के द्वारा क्रिएट किया गया है। विलियम फकनर के द्वारा जो है यकोनाप्टा वफा करके एक जो है शब्द है वो क्वाइन किया गया है। कैस्टर बिज के लिए जो है, ये जो है थॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक रचना है तो उसमें है। ठीक है, विलियम फकनर के लिए भी नहीं होगा वेसेक्स, T.S. एलियट के भी लिए नहीं, और चार्ल्स कैम्ब्रिज ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के लिए भी नहीं, थॉमस हार्डी के लिए ये करेक्ट है। थॉमस हार्डी के पहले लाइफ स्पैन पे आप आ जाएं तो 1840 से लेकर के 1928, दोस्तों इतना जो है समय उन्होंने जीवन काल है उनका 1840 से लेकर के 1928। एग्ज़ाम में इस बार TGT PGT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा सत्य है, और उसमें इनका जो है डेट ऑफ बर्थ 1842 दे दिया था, और यही एक जो है ऑप्शन उसमें इनकरेक्ट था कूट बना करके ABCD करके। तो 1840 में इनका जन्म होता है ना कि 42 में, तो ऐसे भी क्वेश्चन सब बनने लगे हैं। तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हुए हम सभी को तैयारी करना होगा। ठीक है, वेसेक्स की बात करें तो वेसेक्स एक फिक्शनल टाउन था। किसका फिक्शनल टाउन था, तो ये क्या था, रीजनल नॉवलिस्ट इसी वजह से माने जाते हैं, रीजनल नॉवलिस्ट। ठीक है, नॉवलिस्ट माने जाते हैं थॉमस हार्डी, और उनका रीजन क्या था, वेसेक्स था। ठीक है, और सबसे पहले कहा जाए कि वेसेक्स का प्रयोग किस में किया है, तो अंडर द, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, अंडर द ग्रीन वुड ट्री इस नाम के इन्होंने नावल में क्या किया है, सबसे पहली बार वेसेक्स टाउन का चर्चा किया है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक और फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में आता है, इसको भी आप सुने, 1910 में यानी कि 1910 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि मिली थी, ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि मिली थी। ठीक है, थॉमस हार्डी को। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। और वेसेक्स की अगर सेटिंग की बात करें तो ध्यान रखें आप, वेसेक्स को इन्होंने 13 नॉवेल्स में अपना बनाया है, और शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो 47 शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, 47 शॉर्ट स्टोरीज़ को इन्होंने वेसेक्स का 47 शॉर्ट स्टोरी को इन्होंने वेसेक्स का हिस्सा बनाया है। मींस वेसेक्स में 13 नॉवेल और 47 शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग इन्होंने की है। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे से लर्न हो रहे होंगे। और थॉमस हार्डी की अगर हम फिर से बात करें तो इनको लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नॉवलिस्ट माना जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी को माना जाता है।
वेसेक्स को इन्होंने पहली बार, अगर हम बात करें तो इन्होंने वेसेक्स को अंडर द ग्रीन ट्री में यूज़ किया, बट वेसेक्स टेल्स नाम से, इसको भी आप याद कर लें, वेसेक्स टेल्स नाम से इन्होंने कलेक्शन लाया मार्च 1912 में, ठीक है ना, मार्च 1912 में इन्होंने वेसेक्स टेल्स को पब्लिश करवाया, ठीक ना, पब्लिश्ड करवाया, ओके। तो ये सारे फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट थे जो आपको वेसेक्स से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नॉर वॉज मीन टू बी ऑकर्स इन द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जेल फॉर प्रूफॉक, द हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, एंड लास्ट है हम सभी का हेमलेट। तो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नॉर मीन टू बी, मैं प्रिंस हेमलेट नहीं हूँ, ना ही मेरा मतलब है कि मैं प्रिंस हेमलेट हूँ या हो सकता हूँ, ये कौन कहता है? बहुत से विद्यार्थी लव सॉन्ग ऑफ जेल फॉर प्रूफॉक को करेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक ही ये सही है, वेस्टलैंड नहीं सही है, हेमलेट एंड इन हिज प्रॉब्लम, और ये देखिए ये लव वेस्टलैंड और लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक और हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये तीनों जो है टी एस एलियट का है और हेमलेट की अगर हम बात करें तो ये विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का है हेमलेट, और बाकी ऊपर का तीनों किसका है, ये टी एस एलियट का है, ठीक है। तो ये जे अल्फ्रेड प्रूफॉक में, जे अल्फ्रेड प्रूफॉक कहता है ये बात कि मैं प्रिंस हेमलेट नहीं हूँ, एक्चुअली वो 40 वर्ष का एक इंसान है जो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने की वो पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन वो फिर अपने बालों को देखता है, अपने चेहरे की झिर्रियों को देखता है तो वो बाल्ड है, गंजा है, आसपास सब कुछ बदल चुका है। तो टी एस एलियट ने इसको किस फॉर्म में लिखा है? तो टी एस एलियट ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखे हैं इसको, ड्रामेटिक मोनोलॉग की स्टाइल में। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है फ्रेंड्स, बताएं? ड्रामेटिक मोनोलॉग आप समझते हैं कि एक जो है पोयम लिखने की एक स्टाइल होती है, एक जोनरा होता है जिसमें कवि जिसकी चर्चा करता है पोयम में उसी पर्सनैलिटी को धारण करके वही बन जाता है, तथा एक साइलेंट लिसनर होता है जो सुन रहा होता है इन सब पूरी बातों को। तो ये स्टाइल होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की। टेनिसन की देखें यूलिसीज है ड्रामेटिक मोनोलॉग, और अगर हम लोग बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग तो मास्टर माने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग मास्टर माने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, विक्टोरियन एज के पोएट हैं। जे अल्फ्रेड प्रूफॉक पे फिर से ध्यान दीजिएगा, जे अल्फ्रेड प्रूफॉक जो है इनका, ये हम सभी को स्टार्टिंग में शुरू तो उन्होंने 1910 में किया था, ठीक है, अगर टी एस एलियट के लाइफ टाइम की बात करें तो 1888 से लेकर के 1965 इनका पूरा जीवन काल है, 1888 में जन्मते हैं, 1965 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक ना। तो इसको देखिएगा, पहली शुरू किया था 1910 में फरवरी में, और इसको जो है पहली बार कब पब्लिश किया, तो ये सारे फैक्ट्स फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, जून 1915 में इसको पहली बार पब्लिश किए स्वतंत्र रूप से, और बाद में 1917 में द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक को इन्होंने प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में क्या कर दिया, प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में इन्होंने इसको पब्लिश करवाया 1917 में, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया गया। ये होता क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को विलियम जेम्स नाम के एक थे
इन्होंने अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बहुत सारा अच्छा अच्छा फैक्ट आपको मिल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की रचना में सबसे पहले इस वर्ड को क्वाइन किया विलियम जेम्स ने। बाद में इसको बहुत सारे लोगों ने अपने स्टाइल का हिस्सा बनाया, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ को आप कह सकते हैं, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ को। और टी एस एलियट को आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को लेकर के। तो ये होता क्या है, तो ये होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, जो व्यक्ति रहता है पोयम में या किसी नावल में, वो विचारों की दुनिया में खो जाता है और एक चेतना की धारा चल जाती है और बैठे बैठे वो सोच में डूब जाता है। ये टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस होती है। और जे अल्फ्रेड प्रूफाक का जो इपीग्राफ है, ठीक है, इपीग्राफ है, ये हम सभी जानते हैं कहाँ से लिया गया था। तो इसका जो इपीग्राफ है, एपिग्राफ, ये दांते, सभी लोग जानते हैं दांते के बारे में, दांते के इन्फर्नो से लिया गया था, ठीक है ना, इन्फर्नो कौन सा, तो इसका क्रम भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, 17, आप इसको ऐसे नोट करें। और फिर लाइन भी पूछी हुई है 61 to 66। इस तरीके से ये सारे फैक्ट्स हैं। जे अल्फ्रेड प्रूफाक का जो एपिग्राफ है उसको टी एस एलियट ने दांते के इन्फर्नो 17 के 61 से लेके 66 लाइन तक लिया है, ठीक है। तो इसको 17 नहीं, आप इसको कहेंगे 27 कहेंगे, ठीक है, 27 इसको कहेंगे, ठीक है ना, इसको 10 और 10, ये 7, यानी कि 27 जो है इसको लिया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच नावल ऑफ थॉमस हार्डी वॉज ए चैप्टर इन विच अ मैन सेल्स हिज वाइफ। सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस हार्डी की बात करें और मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को कोई भूल जाए, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज ही एक इनकी बहुत अच्छी मास्टरपीस में से एक मानी जाती है, जिसको इन्होंने फ्रेंड्स लिखा था 1886 में, ठीक है। तो मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को इन्होंने लिखा था 1886 में। और इसका सब टाइटल की बात करें तो मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज की सब टाइटल है द लाइफ, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है, द लाइफ एंड डेथ डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसका सब टाइटल है, किसका, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का, ठीक ना। तो इसको भी नोट करें। और फिर आप देखेंगे कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के सब टाइटल के अतिरिक्त इसका यूज वेसेक्स नावल में भी किया गया है, और वेसेक्स नावल में इसको इन्होंने 1884 में लिखना शुरू किया था मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज को, और इसको इन्होंने 17 अप्रैल 1885 को लास्ट पेज लिखा था, पब्लिश करवाया था इसको 1886 में। ये सारे क्वेश्चन मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के लिए बनते हैं। अब अगर हम सभी बात करें मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, तो ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में जो माइकल हेंचर्ड रहता है, वो अपनी पत्नी सुसैन को एक सेलर के आगे के साथ जो ड्रिंक किया रहता है, तो ड्रिंक के मतलब नशे में बेच देता है रात में, और उसको याद नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो भी दुखी मन से, गुस्से से वो सुसान चली जाती है न्यूसन के साथ, ठीक है, सुजैन चली जाती है न्यूसन के साथ, और उसकी एक बेटी होती है, बाद में बेटी की मृत्यु हो जाती है, फिर न्यूसन से जो है वो दूसरी बच्ची होती है उसको, जिसका एलिजाबेथ नाम रहता है, ये सब है। और ये क्वेश्चन बना हुआ है एल्टी ग्रेट में, कितने गिन्नी में बेचता है, तो 5 गिन्नीज में उसको बेच देता है, और फिर वो कसम खाता है कि मैं 21 ईयर्स तक मैं फिर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, यानी 21 वर्ष तक वह शराब न पीने का कसम खाता है, ठीक
ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स थे। रिटर्न ऑफ द नेटिव की हम सभी बात करें तो रिटर्न ऑफ द नेटिव को ये देखिए सिक्स नावल माना जाता है, थॉमस हार्डी का सिक्स नावल माना जाता है और सिक्स पब्लिश्ड नावल माना जाता है, और जिसको इन्होंने जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है ना, दिसंबर तक इन्होंने सीरियलाइज किया था 1878 में। रिटर्न ऑफ द नेटिव की बात हो रही है, ओके। तो ये आपका रिटर्न ऑफ द नेटिव से संबंधित फैक्ट है। जूड द ऑब्स्क्योर और टेस ऑफ द डियरबर विल्स में हम सभी देखते हैं कि ये जो है जूड ऑफ द ऑब्स्क्योर और टेस डी ऑफ द डियरबर विल्स में ये सेक्सुअल रिलेशन को लेकर के बहुत ओपनली बात करते हैं, जिस वजह से इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। और क्रिटिसिज्म जब इनको झेलना पड़ता है तो उस वजह से इन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों तक इन्होंने कोई भी नावल नहीं लिखने की ये भी कसम खा लेते हैं। और फिर ये पोयम्स और शॉर्ट स्टोरी लिख करके ही अपना जो है लिटरेचर की दुनिया में शॉर्ट स्टोरी और पोयम से ही काम करते हैं, नावल को दोबारा उन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। अब डेट की बात करें तो 1895 में, ठीक है, जूड द ऑब्स्क्योर की अगर हम बात करते हैं तो बुक फॉर्म में ये हम सभी को 1895 में मिला था बुक फॉर्म में। उसके पहले इसको जो है 1894 में इसको क्या किया गया था, सीरियल के रूप में लिखा गया था, और ये लास्ट कंप्लीट नावल माना जाता है थॉमस हार्डी का। टेस्ट ऑफ डी अर्बर विल्स की बात करें तो इसके सब टाइटल को लेकर के क्वेश्चन बनता है, इसका है अ प्योर ओमैन, सब टाइटल बना हुआ है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लें, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है ना। फेथफुली प्रेजेंटेड ये बुक फॉर्म में 1892 में आया था। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे से लर्न हो रहा होगा, लर्न कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि लिटरेचर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं लर्न करने के लिए। इसको समझना तो अच्छी बात है, लेकिन जब ईयर की बात आती है तो लर्न ही करना पड़ता है, समझने से काम नहीं चल सकता। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो सच्चाई के साथ हम सभी को एक्सेप्ट करके लर्न करना पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करें तो हाँ ठीक है, कोरिलेशन बना के लर्न किया जा सकता है, फिर भी आप इसको मगअप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईयर अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो बहुत नज़दीक के ऑप्शंस को देता है। जैसे अभी हम सभी देखें, अब अगर यही पर दे दे कि जो है हम सभी बात करते हैं जे अल्फ्रेड प्रूफा की, तब अब दे दे कि पहली बार कब आया, फिर 1815 कर दे, 1817 कर दे, 1822 कर दे, और एक ऑप्शन 18 कर दे 33। तो अब देखिए पहली बार क्वेश्चन में पूछा है, सभी विद्यार्थी ज़्यादातर फोकस इस पे करते हैं प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में, जो 1817 में आया था उसमें आया था, तो ये तो दूसरी बार आया था, पहली बार तो इसी में आया था, तो अगर तनिक सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कन्फ्यूज़न हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। इन द नॉवेल अनटचेबल बाखाज सिस्टर इज, अनटचेबल में बाखा की सिस्टर कौन है, फटाफट आंसर करें। ऑप्शन है सजनी, सेकंड है सोहनी, थर्ड है गुलाबो और फोर्थ है गंगा, बताएं। अनटचेबल मुल्क राज आनंद का है ना, 1935 में आया था अनटचेबल, 1935 में, जिसमें इन्होंने अनटचेबिलिटी पर अच्छा खासा जो है उदाहरण पेश किया है, बताएं। सजनी बिल्कुल गलत, सोहनी सही, गुलाबो गलत, गंगा भी गलत। आप ध्यान रखेंगे सजनी जो है वो टू लीव्स एंड अ बर्ड में आती है, टू लीव्स एंड अ बर्ड में, ये सजनी नाम की जो है
महिला आती हैं जिनके पति का नाम गंगू है और जिसकी बेटी का नाम ललिया है, और जिसके वजह से ललिया मतलब जो है ललिया को एक अंग्रेज परेशान करने की कोशिश करता है। और सजनी की कालरा से मौत इसमें दिखाई गई है कि सजनी की मृत्यु कालरा से हो जाती है। और जो गंगू है इनके हस्बैंड ये कर्जदार हो जाते हैं, फिर ये असम के चाय की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। तो सजनी हम सभी को टूलिप्स एंड अबर्ड में मिल जाएंगी, सोहनी अनटचेबल में मिल जाएंगी, गुलाबो भी अनटचेबल में मिल जाएंगी। गंगा की बात करें तो द लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस करके एक रचना है इनकी, इसमें जो है इसको लिखा है मुल्क राजानंद ने, जो गंगा दासी रहती हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्क राजानंद? अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड और माय स्टोरी? फटाफट बताएं, एवरीबडी नोज अबाउट दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल नॉट कहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नॉट जब पूछे तो सबसे पहले नॉट को ही हाईलाइट करें। अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड और माय स्टोरी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। देखेंगे, अनटचेबल आया था 1935 में, कुली आया था 1936 में, टू लीव्स एंड अ बर्ड आया था 1937 में। क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पे क्वेश्चन बना हुआ है। और जो है माय स्टोरी कमला दास का है, ठीक है ना, कमला दास का है माय स्टोरी, जिसको इन्होंने जो है एंटे कथा नाम से इसको पहले पब्लिश करवाया था, बाद में जब इंग्लिश में करवाया तो माय स्टोरी नाम से इन्होंने पब्लिश करवाया है। तो ये कमला दास का है, बाकी जो है ये तीनों मुल्कराज आनंद का है। होप सो आपको सब समझ में आ रहा होगा। और ये माय स्टोरी कमला दास का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन गॉल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विथ द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ऑप्शन सुने। पहला ऑप्शन कह रहा है इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स, दूसरा है फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, तीसरा है क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी और चौथा है क्लास ट्रेडिशंस अपॉन रिलीजन। जॉन गॉल्सवर्दी 1867 में इनका जन्म होता है और 1933 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, जॉन गॉल्सवर्दी। और ये प्रॉब्लम प्ले की वजह से जाने जाते हैं, इन्होंने प्रॉब्लम प्ले को ही अपना आधार बनाया है। हेनरी किप्सन हो गए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो गए, और आपका जॉन गॉल्सवर्दी मॉडर्न एज के 20th सेंचुरी के ये प्रॉब्लम प्ले के मसीहा माने जाते हैं। और इन्होंने आपने देखा है इनका स्ट्राइफ ले लीजिए, जस्टिस ले लीजिए, है ना, और आपका सिल्वर बॉक्स ले लीजिए। तो ये कुछ ऐसे मतलब सारे नावल हैं इनके, फोर साइड सागा है, लॉयल्टी है, मॉब है, बहुत सारे हैं, फ्रटर्निटी है, इन सभी में इन्होंने प्रॉब्लम प्ले को उठाया है। और प्रॉब्लम प्ले तो कौन सी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, गरीबों के लिए अलग न्याय, अमीरों के लिए अलग न्याय, किस तरीके से इन्होंने दिखाया है सिल्वर बॉक्स में, ये सभी लोग जानते हैं। तो इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स नहीं होगा करेक्ट, फेडरलिज्म ये भी नहीं होगा, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, या हम लोग कह सकते हैं प्रॉब्लम प्ले की अगर हम बात करें तो सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम्स को इन्होंने उठाया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लिबर्टी विच पोएट्स टेक, बहुत ही अच्छा आंसर है बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, चारों ऑप्शन को समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार विद्यार्थी पोएटिक जस्टिस, लाइसेंस, अफेक्टिव फैलिसी, इंटेंशनल फैलिसी और बहुत सारा है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए कुछ समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। पोएटिक जस्टिस क्या होता है, थॉमस राइमर, इसको याद रखें, थॉमस राइमर
थॉमस राइमर जो हैं ये इसके क्वाइनर हैं, इन्होंने इसको क्वाइन किया था, पोएटिक जस्टिस को थॉमस राइमर ने। ये होता क्या है जो है, यदि कोई गलत काम कर रहा है, रॉन्ग वर्क कर रहा है तो उसके साथ गलत होगा, और अगर कोई राइट वर्क कर रहा है तो उसको जो वो डिज़र्व करेगा वो उसको मिल जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें तो पापी के पाप का दंड मिल जाएगा, और जो अच्छा कैरेक्टर रहेगा उसको जो जो उसको मिलना चाहिए उसके कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क ऑफ हिज कह सकते हैं रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, तो वही पोएटिक जस्टिस होता है। गलत के साथ गलत, सही के साथ सही, वो पोएटिक जस्टिस, काव्यात्मक न्याय उसको एक नाम दिया गया है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पर अगर हम चलें तो पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस मीन्स होता है लिबर्टी, यानी कि लिखने का किसी भी स्टाइल में लिखने की आज़ादी हो, कुछ भी लिखने की आज़ादी यहाँ नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, किसी भी स्टाइल में लिखने की आज़ादी हो, मतलब वह किसी एक निश्चित बंधन में ना बंधा हो कि इसी जोनरा में ही वो अपना वर्क करेगा, वो अपनी बात को किसी भी विधा में रख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। और क्वेश्चन में ही पूछा है द लिबर्टी विच पोएट्स टेक इज, ठीक है, तो यही होता है पोएटिक लाइसेंस। अफेक्टिव फैलिसी क्या होती है, तो रिजल्ट जो है वो रीडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है, रीडर के ऊपर रिजल्ट छोड़ दिया जाता है, वह अफेक्टिव फैलिसी कहलाती है। ठीक है, अफेक्टिव फैलिसी, पोएटिक जस्टिस और पोएटिक लाइसेंस आपको अच्छे से समझ आया होगा। और राइमिंग स्कीम तो हम सभी जानते ही हैं कि राइमिंग स्कीम ने जो जो पोएम की लाइन होती है वो अंत के जो शब्द होते हैं तुकांत वाले वो मिलते हैं। जैसे कह सकते हैं कि अगर फियर लिखा है, नियर लिखा होगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लेबल, टेबल, तो ए बी ए बी, यानी जो है फियर नियर से मिल रहा है और टेबल जो है लेबल से मिल रहा है, तो ये राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11 में है अ लाइन ऑफ और पार्ट ऑफ लाइन रिपीटेड इन द कोर्स ऑफ अ पोयम यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा इज कॉल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, देखेंगे यहाँ कह रहा है रिपीटेड इन द कोर्स ऑफ अ पोयम, यानी एक को जो है पोयम जो चल रहा है उसमें एक निश्चित डिस्टेंस और निश्चित मतलब दूरी तय करने के बाद हर स्टेंजा अंत में रिपीट करे, उसको क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं, रिफ्रेन कहते हैं, पन कहते हैं, या ओनोमाटोपोया कहते हैं, बताएं। बहुत सारे बच्चे फटाफट रिपीटेशन लगा देंगे और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको सभी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन लाइन का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये निश्चितता की बात कर दिया है, हर चार लाइन या हर पांच लाइन या हर छह लाइन के बाद जो रिपीटेशन होगा उसे रिफ्रेन कहा जाता है, एक निश्चित दूरी के बाद रिपीटेशन। रिपीटेशन तो स्पेलिंग का भी हो सकता है, वर्ड का भी हो सकता है, लाइन का भी हो सकता है, लेकिन ये रिपीटेशन है, निश्चित अवधि के बाद रिपीटेशन। जैसे ला बेले डेम सेंस मर्सी जो जॉन कीट्स का बैलेड है, अगर हम इसको देखें तो चार लाइन के बाद ला बेले डेम सेंस मर्सी, 12 लाइन में हर मतलब तीन लाइन के बाद चौथी लाइन में कहते हैं हम सभी, तो यही बैलेड स्टेंजा भी कहलाता है रिफ्रेन, चार लाइन के बाद लाइनों का रिपीटेशन रिफ्रेन कहलाता है। पन हम सभी जानते हैं, श्लेष अलंकार हिंदी में कहते हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, जैसे कह देगा एन एम्बेसडर लाइज, है ना, तो लाइज में यहाँ पर एक लाइज करके, तो यहाँ एक रहता है विदेश में और दूसरा अपने देश के लिए वह बोलता है, तो सच बोले झूठ बोले देश की प्रतिष्ठा के लिए वह काम करता है, तो यहाँ लाई का दो अर्थ है, या कह दिया जाए एक जो है लाइफ जो है लीवर पर डिपेंड करता है, तो लीवर के भी यहाँ देखिए दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक लीवर यहाँ पर जो ऑर्गन है मनुष्य के शरीर का, उस लीवर की बात हो रही है, दूसरा लीवर जो मनुष्य है जी रहा है अपनी ज़िंदगी, तो यहाँ पर दो अर्थ निकल रहा है कि एक व्यक्ति जिएगा कि नहीं, वो उसके
मतलब जो है डिपेंड करता है लीवर पर। लीवर मींस होता है शरीर का जो आर्गन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और या जीने वाला लिव का जो है लाइव से बना है जीवित इंसान। तो यहाँ भी यहाँ पन हो रहा है, तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो पन को करते हैं। इसके लिए एम्बिग्यूटी एक शब्द होता है ना, एम्बिवरस या और ठीक है, तो इसका मतलब एक शब्द से अधिक शब्द, दो शब्द। ओनोमेटोपोया ध्वनि सूचक अलंकार होता है, इसमें साउंड को देखा जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी कंफर्म हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फ्रेलिटी दाई नेम इज ओमन इज टेकन फ्रॉम, बताएं हेमलेट में कहा गया है कि किंग लियर में, कि जूलियस सीजर में, कि हेमलेट में, जो है ये देखिए पहला और चौथा दोनों रिपीट हो गया है, बट आप जान जाएं ये पहला चौथा दोनों आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर टाइपिंग में डबल डबल हो गया है, बट आपको पता है ये हेमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का ही हेमलेट है। और द हेमलेट की बात करें तो विलियम फकनर ने लिखा था, ठीक है, वो भी नावल है, विलियम फकनर वो नावल है, विलियम फकनर ने नावल लिखा था जो है 1940 में द हेमलेट के नाम से। और हेमलेट की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था, और ये ड्रामा है, आई मीन टू से प्ले है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट ट्रेजडी भी मानी जाती है, चार ग्रेटेस्ट ट्रेजडी है ना, HOKM, हॉकम, तो ये आपका हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, चार इनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजडी है, ग्रेट ट्रेजडी है। किंग लियर में ये लाइन नहीं आती है, जूलियस सीजर में भी नहीं आती है, रोमन प्ले है जूलियस सीजर, और कहा जाता है कि ग्लोब थिएटर में पहली बार यही परफॉर्म हुआ था। हेमलेट अपनी माँ को कहता है, फ्रेलिटी मीन्स होता है दुर्बलता, दुर्बलता तुम्हारा नाम ही औरत है, इस तरीके से वो अपनी माँ को जब वो देखता है कि मेरी माँ ने मेरे चाचा क्लॉडियस से शादी कर ली, जो मेरे पिता का यानी अपने बड़े भाई सीनियर हेमलेट का हत्यारा है, कान में जहर डाल के हेमलेट ने हेमलेट के पिता यानी कि सीनियर हेमलेट की हत्या कर दिए थे क्लॉडियस, और गर्टी ने उनसे बाद में शादी कर ली, तो इसलिए हेमलेट बहुत खफा होता है कि महिलाएं परिस्थितियों से समझौता बहुत जल्दी कर लेती हैं, और वो अपनी माँ को फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमेन कह के बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हेमलेट अपनी माँ के लिए कहा है फ्रेलिटी मैंने दुर्बलता। अब फ्रेंड्स इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी पूछ लेता है, सेम ही लाइन उदाहरण के रूप में दे के फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एप्स ये जो है एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच यानी संबोधन, यहाँ पर वो संबोधन कर रहा है फ्रेलिटी से, जो कि क्या है एक भावना है, ठीक ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, विच लिटरेरी फॉर्म वॉज परफेक्टेड इन इटली बाई पेट्रार्क एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 16th century। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है कौन सा एग्ज़ाम है जहाँ पूछा नहीं जाता है, बट अगर आपसे तनिक भी कन्फ्यूज़न हुआ तो गलती हो सकती है। पेट्रार्कन सोनेट याद है ना, 16वीं शताब्दी में इटली में पेट्रार्कन सोनेट पेट्रार्क ने पब्लिक जो है पॉपुलर किया था, बाद में इंग्लैंड में थॉमस वियाट और हेनरी हावर्ड लेकर के आए, जिनको अर्ल ऑफ सरी कहा जाता है, ठीक है, अर्ल ऑफ सरी। फिर बाद में विलियम शेक्सपियर ने इसको पॉपुलर कराया, इसके बाद विलियम शेक्सपियर की वजह से शेक्सपियरियन सोनेट हो गया, और पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी अगर हम लोग बात करें तो जो है विलियम शेक्सपियर की पहले अगर आप देख लें तो इनका है ए बी सी डी ई एफ और जी, ये है हम सभी का विलियम शेक्सपियर का, और अब्बा सी डी अगर कहे यानी ए बी बी ए सी डी सी उसके बाद DCD या CDC इस तरीके से अब्बा अब्बा CDC DCD CDE
तो ये हम सभी का मिल्टॉनिक सोनेट कह सकते हैं, पेट्रार्कन सोनेट कह सकते हैं। फिर बाद में एडमंड स्पेंसर ने भी फॉर्म ईजाद किया जिसको स्पेंसेरियन सोनेट के नाम से जाना गया। इन्होंने राइमिंग स्कीम थोड़ी चेंज कर दी थी, ए बी बी ए सी डी ई ऐसे कर दिए थे, ठीक है ना, ए बी बी ए। अब्बा अब्बा है तो विलियम शेक्सपियर की तरह है, ए बी सी डी, तो ये विलियम शेक्सपियर का है। लेकिन शेक्सपियरियन के बाद अगर आप एडमंड स्पर्कर की बात करें तो ए बी बी सी सी डी ई, ये एडमंड स्पेंसर का है। आई होप आपने समझ लिया होगा। इसको अगर फिर से जानना चाहें तो देखिए, अब्बा ये पेट्रार्कन की चल रही है, सी डी ई सी डी सी और डी सी डी या सी डी सी वापस, तो ये किसका है, ये पेट्रार्कन का है। विलियम शेक्सपियर की बात करें तो ये लाइन को बढ़ाते चलते हैं। पेट्रार्कन जो है ऑक्टेव और सेस्टेट से अपना शुरुआत करते थे और विलियम शेक्सपियर का क्या था, तीन जो है क्वाट्रेन होते थे, यानी कि क्वाट्रेन में चार लाइन का स्टैंजा, तो 12 हो गए और एक कपलेट बराबर दो लाइन का, तो ये आपका 14 लाइन में सोनेट समाप्त हो जाता था, ठीक है। तो ये विलियम शेक्सपियर का है और इनका है ए बी सी डी ई एफ जी और जी। और अगर इनकी स्पेंसर की बात करें तो इनका है ए बी बी सी ए बी, इसके बाद बी सी सी डी ई, इनका भी वही है लेकिन यही जो अंत में राइमिंग स्कीम है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों का जो है एग्ज़ाम में पूछता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हम सभी का विच ऑफ द, तो ये पेट्रार्कन ने 16वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में आया तो सोनेट था। एपिक बड़ा पुराना फॉर्म है, होमर और वर्जिल इसके लिए फेमस ही हैं, मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट लिखा है एपिक। बैलेड तो सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत पुराना फॉर्म है, बैलेड गाथा गीत जिसको कहते हैं, घूम घूम के गाया जाता था, और लिरिक में इमोशन इंक्लूड होते थे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, तो इसमें क्या कर किया जाता है, तो जिसमें इपिक की शुरुआत मीडियाट रेस से होती है, और यहाँ पर आप ध्यान रखें इन्वोकेशन मतलब होता है आह्वान, ठीक है ना, आह्वान यानी देवी को सुमिरन करना, तो इन्वोकेशन होता है। इन्वोक करते हैं किसको, गॉडेज ऑफ म्यूज को, यानी कि ज्ञान की देवी को, गॉडेज ऑफ नॉलेज जो कि म्यूज होती हैं, इनको सुमिरन करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक ना। रिफ्रेन की बात करें तो आपने देख लिया चार लाइन का रिपीटेशन, लेमेंट तो एलिजी में होता है, सोलिलॉक्वी तो विलियम शेक्सपियर ने फेमस किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 फिगर्स ऑफ स्पीच है, बहुत आसान भी होगा, आप समझ लें। 15-18 क्वेश्चन है, यानी 15-16-17-18 चार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। लेट्स गो टू बेड नाउ, तो यहाँ पर क्या मतलब है इस फिगर्स ऑफ स्पीच का, ऑक्सीमोरन, मेटानमी, पन और अंडर स्टेटमेंट, पहले चलिए समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो देख लेंगे, ये जो ऑक्सीमोरन होता है उसमें साउंड आता है, ठीक है, साउंड आता है, और मेटानमी को नेम चेंज कहते हैं, नेम चेंज यानी कि नेम चेंज करके किसी चीज़ को कहना, और पन में एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, अंडर स्टेटमेंट होता है ज़्यादा को कम करके कहना, ठीक है, तो ये अंडर स्टेटमेंट होता है, अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। ये होता है अंडर स्टेटमेंट। तो यहाँ सभी का हम लोग का, यहाँ पर वो बेड मतलब क्या, बेड माने बिस्तर, कमरा, सोने के लिए, तो सोने के लिए ना कहके कह रहा है चलो बेड पे चलें, अभी चलें, तो मेटानमी है। जैसे अगर राजा कहना हो तो आप राजा ना कह के क्राउन कह दो, ठीक है, अगर आपको
कहना है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति तो आप व्हाइट हाउस की नाम ले लो अमेरिका के राष्ट्रपति के स्थान पे। अगर आपको कहना है अरिस्टोक्रेसी तो आप यहाँ पर कह दे रॉयल बर्थ, ब्लू बर्थ, इस तरीके से तो हो जाएगा। मेटोनमी मतलब इसको कहते हैं नेम चेंज, इसी से मिलता जुलता सिनेकडॉकी होता है जो कि होता है समथिंग फॉर द होल, होल फॉर द समथिंग। चलेंगे अगले तरफ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये क्या है? ये पहला क्लॉज दूसरे के अपोजिट हो रहा है, एंटीथेसिस है। सिमिली में सो का यूज़, एज का यूज़, लाइक का यूज़ होता है, सिमिली नहीं है। मेटाफर में बिना इसके यूज़ के कुछ कह दिया जाता है। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड अलग अलग इकट्ठे रखे होंगे, जैसे कह दिया जाए हेस्ट है ना, हास्टी, स्लोली, ठीक है। ही इज इनोसेंट क्रिमिनल, ही इज एन इनोसेंट इनोसेंट क्रिमिनल, तो एक तरफ इनोसेंट है दूसरे तरफ क्रिमिनल है, ऐसे कैसे? तो दो अपोजिट वर्ड अगल बगल रख दिया जाए तो ऑक्सीमोरन होता है, और इसी से मिलता जुलता पैराडॉक्स है। इसका मतलब होता है उसका मीनिंग ही कुछ अलग हो, जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो आप इसको शाब्दिक मीनिंग निकालेंगे तो उलझ से जाएंगे, तो सेंस उलझा सा हो, पैराडॉक्स होता है। एक क्लास दूसरे क्लास का अपोजिट, जैसे कह दिया जाए ना गॉड प्रपोजेज मैन डिस्पोजेज, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, है ना, इंसान बनाता है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, भगवान या भगवान की अपनी इंसान की अपनी, जो भी समझे। तो एक क्लास दूसरे का अपोजिट होता है एंटीथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 17 पर चले। अ सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड, तो क्या होता है? मृत व्यक्ति के लिए ये एलिजी होता है। सटायर मतलब होता है व्यंग करना, जैसे रेस्टोरेशन एज में मॉक इपिक वगैरह में होता है, तो ये समाज में परिवर्तन के लिए होता है। इपिक में 12 बुक्स की अनिवार्यता होती है, नहीं होगा ये अपना उत्तर। इसके बाद अगर ओड की बात करें तो ओड संबोधन गीत होता है, ओड भी नहीं होगा। एलिजी में क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अगर पैस्टोरल फॉर्म में मतलब शेफर्ड के लिए विलाप करे तो पैस्टोरल एलिजी होता है। किसी पर्सनल लॉस के लिए अगर रोए तो यहाँ पर हो जाता है पर्सनल एलिजी। बहुत सारा उदाहरण, जैसे जॉन कीट्स की मृत्यु पर शैली ने डोनाइज लिखा है, लीसी दास लिखा है, जो है मिल्टन ने लिखा है, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर, थॉमस अर्नोल्ड की मृत्यु पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने थायरिसिस लिखा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने थायरिसिस लिखा है, रग्बी चैपल लिखा है, ये सब जो है क्या है, हम सभी का एलिजी है। तो आई होप आपने 17 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज, बताएं शेक्सपियर के सोनेट का मेन थीम क्या होता था? लव होती थी, हेट्रेड यानी नफरत, मैरिज या शत्रुता, बिल्कुल गलत, लव था। आप देख पाते हैं 154 सोनेट इन्होंने लिखा है, जिसमें 126 सोनेट इन्होंने अपने यंग मैन को दिया है, यंग मैन जिसको अर्लाव साउथहैम्पटन, हेनरी व्रिथसले, मिस्टर डब्ल्यू एच विलियम हर्बर्ट तमाम नाम से जाना जाता है, और 126 से लेकर के 127 से लेकर के इसको इन्होंने 152 तक अपने डार्क लेडी जिसको मैरी फिटन नाम दिया गया है उसको समर्पित किया है, और 152 सोनेट और 152 से लेकर के 152 तिरपन 154 सोनेट जो है लव गॉडेस हैं, लव गॉडेस गॉडेस जिनका नाम क्यूपिड, उनको समर्पित किया है, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप जान रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 19, अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद अ, तो आपको अभी बताया गया कि तीन क्वाट्रेन होता था, यानी क्वाट्रेन में चार लाइन का स्टैंजा, तो आप देख लीजिए 4 4 4 4 12 हो गया, और एक कपलेट होता था यानी दो लाइन का स्टैंजा, तो यहाँ पर दो लाइन का कपलेट हो गया और 14 लाइन में सोनेट समाप्त हो जाती थी। अगर हम सभी बात करें पेट्रार्कन सोनेट की, तो विलियम शेक्सपियर से पहले जो इटालियन सोनेट हुआ करता था उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट रहते थे, ऑक्टेव 8 लाइन का, सेस्टेट 6 लाइन का, ये भी 14 लाइन में ही समाप्त होता था। जो नौवा लाइन रहता था वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द सोनेट कहा जाता था, ठीक है।
टर्निंग पॉइंट ऑफ द सोनेट। सोनेट उसको हम सभी वोल्टा कहते थे, वोल्टा कहा जाता था, है ना। प्रॉब्लम के बाद जब सॉल्यूशन देना होता था तो जैसे हम सभी बोलते हैं ना कि उसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मरमर सून रिप्लाइज, इस तरीके से। तो मरमर सून रिप्लाइज द पेशेंट टू प्रिवेंट मरमर सून रिप्लाइज, ऐसे करके लाइनें हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। तो वही वोल्टा है टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ द सोनेट। तो यहाँ पर हम सभी का विलियम शेक्सपियर चूंकि पूछ रहा है तो कपलेट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दो लाइन का स्टेंजा कपलेट कहलाता था, तीन लाइन होता तो ट्रिपलेट होता था, आठ लाइन होता तो ऑक्टेव होता था, क्वार्टेट यानी कि चार लाइन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलें। कीट्स पोयम ला बेलेडम सेंस मर्सी क्या है? अभी हमने बताया रिफ्रेन समझाते समय बैलेड है, सोनेट नहीं है, एलिजी नहीं है और ओड भी नहीं है, बैलेड है। टोटल 12 लाइंस हैं, चार चार लाइन के स्टेंजा में बना हुआ है और इसमें एक जादुई लड़की है जिसको माना जाता है कि जॉन कीट्स की जो दोस्त थी, बिलव्ड थी, मैरी फिटन, उन्हीं की चर्चा हो रही है, ठीक है। ये मैरी फिटन नहीं, सॉरी, फैनी ब्राउने की चर्चा हो रही है, जो फैनी ब्राउने जो कि कीट्स की दोस्त मानी जाती थी। और कई सारा जब कीट्स की बायोग्राफी हम सभी पढ़ते हैं तो उसमें फैनी ब्राउन को बहुत सारा पत्र लिखे हैं और एक बात ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता मेरे मरने के बाद मुझे कोई याद करेगा, मैंने कोई ऐसी रचना नहीं लिखी है। फिर लिखते हैं कि नहीं, मुझे मेरी रचनाओं की वजह से ही जाना जाएगा। ये सारे फैक्ट्स कीट्स के बारे में हम सभी जानते हैं। और रोमांटिक एज के ये कवि थे, ठीक है। 1895 में इनका बर्थ होता है ना, 1795 में, और 1821 में मृत्यु होती है। वहीं शैली की बात करें तो 1792 में बर्थ होता है और 1892 में मृत्यु होती है। कीट्स की मृत्यु 25 वर्ष 4 माह यानी लगभग, क्वेश्चन में 26 वर्ष भी लिख के आता है। तो जैसे क्वेश्चन वैसे हम सभी को ऑप्शन भी नोट करने होंगे। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट्स समझ में आए होंगे और ये सारे फैक्ट्स आपके जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं तो किसी भी फैक्ट को हम सभी स्किप नहीं कर सकते हैं। क्लासेस थोड़ी लंबी सी हो जा रही है लेकिन एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा पता चलता है। तो थैंक यू सो मच। क्लासेस को ज़रूर शेयर करें, उन सभी फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ जिनको रियल में आवश्यकता है बहुत सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ।